हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अचीवमेंट इन ऑल। आप देख रहे हैं और मैं हूं नम्रता पांडे। आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग के 7:30 बजे से शुरू किया है और पता है जैसे कि मैं कितना सवेरे उठती हूं और सवेरे नाश्ता वगैरह कर लेती हूं। आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है तो उन्होंने कहा आज नाश्ते में पोहा तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने मूँगफली लिया है, थोड़ा किशमिश है, कढ़ी पत्ता है, हरी मिर्च है, अदरक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मूंग इसको फ्राई कर लूँगी बिना तेल घी का, और ये जब तक ये मूंगफली फ्राई होगा तब तक मैं कढ़ी पत्ता काट लूँगी, हरी मिर्च काट लूँगी और अदरक, और ये रहा सरसों। ये सब पोहा में देने से काफ़ी टेस्टी हो जाता है। और जो आप ये सामने में टोपिया देख रहे हैं उसमें जो पहले से मैंने चूड़े को भिंगो कर रखा है और 1 चम्मच नमक और 15 मिनट तक रखना होता है, तो इसको मैंने रख दिया है। और जब तक मूँगफली फ्राई होगा मैंने प्याज भी काट लिया और मैं इसमें टमाटर भी देने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर वाला पोहा ज़्यादा पसंद होता है। और टमाटर का जो गुदा होता है उसको निकाल कर सिर्फ उसके मोटे वाले परत को पोहा में देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इधर मैंने 3-4 चम्मच घी डाल दिया, उसमें सरसों और मिर्च, कढ़ी पत्ता, ये सब मैंने अदरक ये सब डाल दिया। और जब तक ये सब पकेंगे, पकने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और ये इतना टेस्टी बना था ये नाश्ता, और मैं बनाते रहती हूँ कभी सुबह के टाइम कभी शाम के टाइम। और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है और बिना ढके हुए इसे पकाना है, प्याज लगभग 50% पकाना है। और 15 मिनट जैसे कि उस पोहे को फूलने के लिए कहा जाता है तो बीच में एक बार उसे चलाना भी होता है हल्का, बिना पानी का वो मैंने फूलने दिया है, बस धुल कर उसमें हल्का नमक हल्का चीनी, बाकी नमक मैं पोहे में जब इसमें पोहा डालूंगी कढ़ाई में तो थोड़ा सा नमक उसमें भी डालूंगी। और यहाँ पर मेरा 50% प्याज पक गया है तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, और टमाटर भी ज़्यादा नहीं, बस 10% पकाना है। और यहाँ पर मैंने किशमिश निकाल कर रख दिया है, जब तक 10% टमाटर पक जाएगा तो मैंने मूंगफली डाल दिया। और मैंने घी में ही हल्दी डाल दिया था, सब्ज़ी भी मैं इसी तरह बनाती हूँ, उससे क्या होता है अच्छे तरीके से पूरे आपके जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें पूरा मिल जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने पोहा डाला और मिलाते गई मैं, और इस तरह मैं तब तक मिलाऊंगी जब तक पूरा हल्दी का कलर पूरे पोहे में नहीं आ जाए। और इस तरह से पूरे पोहे में हल्दी का कलर आ गया, आप देखेंगे। उसके बाद मैं इसमें नींबू डाल दूँगी क्योंकि पोहा जो है बिना नींबू का थोड़ा सा अधूरा लगता है। और नींबू डालने के बाद मैं इसमें किशमिश डालूंगी, आप चाहें तो किशमिश स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल भी काट कर डाल सकते हैं, आप जितना चीज़ डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। तो अभी मेरे पास जो भी उपलब्ध था मैंने उन सब चीज़ों को डाला है। और उसके बाद अब मैं किशमिश डाल दूँगी जो कि मैंने धुल लिया था पहले ही, और किशमिश डालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लूँगी। और इतना ये कढ़ी पत्ता काफ़ी स्वाद ला देता है पोहा में, पोहा हो या फिर आप कढ़ी बना रहे हैं तो। और आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना जो खाना है वो भी शेयर करने वाली हूँ। और इस तरह जो है मैंने पोहा तैयार कर लिया है, और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें मिक्सचर डाल दूँगी, और बाबू के लिए भी साइड में निकाला है, हालांकि वो साथ में खाता है लेकिन उसको भी अलग चाहिए। और जब तक हम लोग नाश्ता करेंगे बिल्कुल धीमी आँच पर मैं चाय चढ़ा दूँगी, तब तक दूध और पानी उबल कर रहेगा। तो ये रात का दूध था जो कि मैंने डाल दिया है, और पोहा बनाते बनाते भी लगभग 7:45 हो गए हैं। वो भी सवेरे ही उठते हैं लेकिन वो लैपटॉप पे अपना काम करते रहते हैं, काढ़ा सब खुद बनाते हैं। तब तक मैं स्नान वगैरह कर लेती हूँ योग करके, तो काढ़ा वगैरह खुद बनाते हैं, हमको भी देते हैं। बाबू भी आज उठ गया है, जब तक हम लोग नाश्ता के लिए तैयार हो रहे थे, पोहा बना रहे थे, बाबू भी उठ गया है। और इधर चाय मैंने जो रखा था इस पर, तो दूध और पानी पूरा उबल गया था, मैंने इसमें चाय चीनी और अदरक डाल दिया। और चाय पत्ती को बहुत ज़्यादा देर तक मैं पकाती हूँ, चाय पत्ती अगर आप अधिक पकाएंगे, कम मात्रा में चाय पत्ती डालकर अधिक पकाएंगे तो बिल्कुल चाय टेस्टी बनता है। कई जगह मैं जाती भी हूँ देखती हूँ बिल्कुल कच्चा कच्चा सा चाय लगता है, 1-2 बार उबलने से चाय नहीं बनता है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल उबला हुआ और पका हुआ चाय पीते हैं। अब इस चाय को उबलने में 1-2 मिनट जो भी समय है, तब तक ये जो पूरा किचन बिखरा हुआ है, काढ़ा वो बनाया है तो उनका भी सामान इसी तरह से बिखरा हुआ है। ये मैंने यहाँ पर मूंग डाल दिया पानी में जिसका मैं तड़का वगैरह बनाती हूँ, और रात के दूध का बर्तन या फिर अभी जो पोहा वगैरह बनाया है, प्याज वगैरह काटा है, उसी तरह रखा है। तो जब तक हमारा चाय इधर रेडी हुआ, उधर मैंने पूरा स्लैब साफ़ करके सिंक में सारे बर्तन को डाल दिया, और यहाँ पर मेरा चाय तैयार हो गया है। चलिए हम लोग चाय पीते हैं। और हाँ, आज हम लोगों ने जो चाय पी है वो बालकनी में, क्योंकि इतना अच्छा मौसम आज का है और आज मंगलवार है, इतना अच्छा मौसम है। मेरे हस्बैंड बोले बालकनी ही आ जाओ, और देखेंगे आप मैंने किसी प्रकार का कोई
फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं फास्ट करती तो मैं भी फास्ट दिखती। लेकिन ये देखेंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है, नीचे में भाभी कुछ आवाज़ देकर बात कर रही है, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ और उधर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बाबू भी है, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। हम लोगों ने यहाँ चाय पी और चाय पीने के बाद देखते ही देखते ऐसा मौसम सुहाना हो गया कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, आसमान बिल्कुल काला हो गया। आपको अभी मैं दिखाऊंगी। और इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोगों ने एक घंटे तक समय जो है बालकनी में स्पेंड किया। तो इस तरह भी समय कभी कभी आदमी को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि काम तो हर दिन है, काम में तो लोग रहते ही हैं। ये देखिए, इस तरह के मौसम को देखकर भी आनंद उठाना चाहिए। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, चारों तरफ से अंधेरा था, कई लोग अपने छत पर थे और चारों तरफ से इस तरह लग रहा था अब बारिश होगी और अब बारिश होगी, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। लेकिन इतना अच्छा मौसम लग रहा था, इतना अच्छा मौसम लग रहा था कि कहने की बात नहीं। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। और ये पटना का ये दृश्य है, आप देख रहे हैं, ये देखेंगे सब कोई अपने छत पर आ गए हैं, अगल बगल के लोग भी इस तरह का मौसम देखकर। और अब मैं आपसे मिलूंगी सीधा किचन में, जब मैं खाना बनाने जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं किचन आ गई हूँ। इस बीच में मैंने जो सारा बर्तन सिंक में डाल दिया था वो अभी भी सिंक में ही है। मैंने कोई भी बर्तन नहीं धुला है, मैंने बस दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि बाबू के बॉर्नविटा का समय हो गया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर बेसन का पकौड़ा कढ़ी में डालकर। और दही दूध बिल्कुल भी नहीं है, दही छाछ कुछ मिल भी नहीं रहा है, मैंने दही जमाया भी नहीं है। और ये मैं दिखा रही थी आपको बेसन मिलाने वाला, लेकिन उससे ज़्यादा इजी मुझे चम्मच से भी मिलाने में लगा। तो मैं जो आज बनाऊंगी वो मसाला कढ़ी बनाऊंगी। ये है प्लेट में हींग, मैंने पानी में अभी डाला था, हींग को मैं अच्छे तरीके से मिलाकर, और अभी मैंने बेसन में कुछ भी नहीं डाला है, बस हल्दी डाला है, हींग को डाल दूंगी। और जब लास्ट हो जाएगा बेसन, तब तक मिलाना है जब तक ये पानी में उबल कर ना आ जाए। यहाँ पर मेरा दूध हो गया, उधर मैंने बेसन को अभी भी रख दिया है थोड़ा सा फूलने के लिए। और मैंने अब एप्रॉन पहन लिया, क्योंकि अब जाना है युद्ध भूमि में, यानी कि बर्तन धोने के लिए। उधर मेरा दूध गर्म हो गया है, मैंने बेसन फूलने के लिए दे दिया है, और सारा बर्तन मैंने धुल लिया यहाँ पर, जितना नाश्ता वगैरह का था। और मेरे हस्बैंड ने गर्म पानी की मांग की, उनको मैंने गर्म पानी दे दिया। और यहाँ पर अब मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ काट कर रख लूँगी, इसका मुझे पेस्ट बनाना है। और ये मसाला भी मैं फूलने के लिए पानी में दे दूँगी। कोई भी आप सब्ज़ी बनाइए तो मसाला अगर आप फुला के बनाइएगा तो पहले से ही पानी में भिंगो दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मसाले में घर का मसाला था जो मैंने आपको बताया था मेरे घर से, उसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च सब कुछ डाला हुआ है। तो वो मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च सब मैंने फूलने दे दिया था, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और अभी मैं इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा जो है सोडा, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, मैंने बिल्कुल एक पिंच दिया है। और इस तरह देखेंगे आप, ये बेसन मेरा कम्प्लीट हो गया, क्योंकि पानी में उबल कर आ गया है ऊपर। और इस तरह मैंने ये पेस्ट भी बना लिया, मिक्सी को मैंने रख दिया। जब तक मैं उधर बरी को तलूंगी, पकोड़े बनाऊंगी, इधर मेरा मसाला भी तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, बस हल्का सा तेल, मैं बिल्कुल कम तेल मसाला का प्रयोग करती हूँ, थोड़ा सा जीरा। और जब ये पक गया तो मैंने ये प्यूरी जो बनाया था, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च, क्योंकि ज़्यादा मैं तीखा नहीं देती हूँ, बाबू खाता है, उधर मैंने बिल्कुल कम आँच पे उस प्यूरी को डाल दिया है। और जब तक उधर मेरा प्यूरी पकेगा वो पेस्ट, तब तक इधर मैं सारे पकोड़े को तल लूँगी। तो किचन में मैं बिल्कुल कम समय बर्बाद करना चाहती हूँ, ताकि बनाती हूँ हर चीज़, आप देख रहे हैं आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर सारा समय किचन में ही लगा देंगे फिर हम अगले काम के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ट्रिक के साथ काम करें कि आप अगले काम के बारे में भी सोच सकते हैं। आप जान रहे हैं जिस तरह की ये चैनल, इस पर सिलाई, बिनाई, मेकअप सारा चीज़ बताया जाता है। तो अब मुझे कुछ सिलना भी है, मैं बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि एक दो दिन में मुझे एक सूट और भी बनाना है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। और इस तरह से मेरा सारा पकौड़ा तल गया, और इधर तब तक मेरा ये पेस्ट भी पक गया, इसमें भी तेल निकलने लगा है। अब जब ये तेल निकल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और एक बार ढककर पकाऊंगी, बिल्कुल कच्चा सा दिख रहा है, थोड़ा सा और मैं इसको एक बार ढक्कन लगा के पकाऊंगी। और इसी में मैं हल्दी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, और एक बार और ढककर मैं इसको पका लूंगी। और जब ये पक जाएगा तब फिर मैंने जो वो प्लेट में मसाला निकाला हुआ है, आमचूर पाउडर भी मैंने उसमें डाला है, मैंने बताया, क्योंकि इसमें खट्टापन थोड़ा सा चाहिए तो ज़्यादा टेस्टी। हालांकि मैंने ये टमाटर डाला है लेकिन आमचूर भी डाला है, थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो। अगर आमचूर नहीं है तो आप इमली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस मसाले को मिलाकर मैं इसको ढक दूँगी, और इसके बाद ये मैंने बेसन को घोर कर रखा है,
और चूंकि इसमें छाछ नहीं है तो ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन गाढ़ा हो जाता है क्योंकि 10-15 मिनट तक मुझे इसे उबालना है और मैं तब तक इसे चलाऊंगी जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। हालांकि छाछ वाले में ये डर होता है कि छाछ फट ना जाए, लेकिन इसमें भी यही होता है, बेसन अलग अलग जमा हो जाता है। तो उबाल आने तक मैंने इसको चलाया और ये उबाल आने में 10-12 मिनट तो लग ही गया था। अब मैं इसमें ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट बिल्कुल कम आंच में पकने दूंगी। जब तक उधर मेरा वो पकेगा तब तक इधर मैं कई सारे कामों को निपटाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इधर चावल फिट करके चढ़ाऊंगी। जितना भी आप स्लैब्स पर सामान देख रहे हैं सबको मैं एक एक करके हटा के रखूंगी। इस कढ़ाई में अभी मुझे पापड़ तलना है और ये कढ़ाई मैं बार बार सोचती हूँ यूज में ना लाऊँ, लेकिन ये इतना यूजफुल है, कभी चूड़ा फ्राई करने में, पापड़ तलने में काम में आ जाता है। आपने देखा मैंने बेसन रख दिया, तेल रख दिया, मैं सारे चीज़, ये हल्दी रख दूंगी, नमक का भी थोड़ा ज़रूरत है, हो सकता है खाने के समय वो थोड़ा मांगे, और सारे चीज़ लगे हाथ में समेटते जाऊंगी और जितना बर्तन मैंने धुला है वो सब मैं लगा दूंगी ताकि खाना खाने के बाद जो मैं बर्तन धोऊंगी इसके लिए वो टोकरी खाली रहे। टोकरी भी लेने का सोच रही हूँ, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन अभी फिर से लॉकडाउन होने की समस्या है तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। और खाना खाने के बाद मुझे बस 2-3 बर्तन ही धुलना होता है, एक खाने का प्लेट, दूसरा ये जो मैं खाना बनाती हूँ चावल सब्जी दाल का, ये होता है। और आप देख रहे हैं मैं लगे हाथ स्लैब्स भी साफ कर रही हूँ, बिल्कुल मैं पूरा क्लीन कर दूँगी, कुछ भी गंदगी नहीं बची रहती है। तब तक मेरा इधर कढ़ी उबल जाएगा और कढ़ी उबलने के बाद मैं इसमें इस पकौड़े को डाल दूँगी। और इस पकौड़े को डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला डाला था और 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने 2-3 मिनट तक इसको और पकाया था बिल्कुल कम फ्लेम में, ताकि ये पूरा पकौड़ा जो है सॉफ्ट हो जाए और रस को एब्जॉर्ब कर ले। और 2-3 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको इसमें तड़का लगा दिया, जो कि कढ़ी पत्ता था, लाल मिर्च था, सरसों था, और ये इस तरह से खाना पूरा तैयार है। तो आप लोग भी चलिए खाते हैं मिलकर। और खाना ये पापड़ भी मैंने तल लिया था और खाना काफ़ी टेस्टी बना था, ये भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह के कढ़ी को बनाने के लिए ट्राई करिएगा। और इस तरह से सारा काम हमने निपटा लिया है, देखेंगे आप, मैंने बर्तन भी धुल लिया है, जो प्लेट पहले से लगा था वो लगा हुआ है, और ये जो कढ़ाई जिसमें मैंने पापड़ तला है उसको इसी तरह से मैंने छोड़ दिया है। और ये दूध जो कि जिस तरह से रखा हुआ था, ये दिन का है, ये दूध रात का है, और ये अभी जो जिसमें मैंने ये कढ़ी बनाई वो इस तरह से इसको भी मैंने धुल दिया है, और ये सारा बर्तन खाने के बाद धुल दिया, और इस तरह से पूरा मेरा सिंक खाली है और दोपहर का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। इधर इंडक्शन को भी मैंने लगे हाथ पोंछ दिया और इस तरह से पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए, तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।